ओम शांति। आज आपका 140वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और आज के वरदान में परमात्मा हमें थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करते हैं, और परमात्मा हमें बताते हैं कि क्या तुम मेरे सच्चे स्नेही हो। परखो अपने आप को, चेक करो कि कहाँ तक तुम्हारा स्नेह सच्चा है, कि केवल सिर्फ अपने मुख से कहते हो कि सब कुछ भगवान का ही तो दिया हुआ है। देखा है तो भक्ति में हम कहते आए हैं परमात्मा ने सब कुछ दिया है हमें, बच्चे भी परमात्मा ने दिए, घर भी परमात्मा ने दिया, चीज़ें भी परमात्मा ने दी, ज़मीन भी परमात्मा ने दी, गहने भी परमात्मा ने दिए, कपड़े भी परमात्मा ने दिए, खान पान भी परमात्मा ने दिया। लेकिन क्या हमारे व्यवहार में, क्या हमारी सिर्फ सोच तक ये सीमित है? और व्यवहार में और बोलचाल में क्या वो दिखता है कि नहीं? तो देखें आज बाबा कहते क्या है इस कंप्लीट वरदान में। बाबा कहते हैं, सर्व स्वरूप से, सारे तरीके से, सारे स्वरूपों से, सर्व संबंधों से, तुमेव माता पिता तुमेव, है ना, तो माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, साजन सजनी भी। परमात्मा कहते हैं, तुम कहते तो हो भक्ति में सारी चीजें, लेकिन क्या मानते हो? मानते भी हो गए, लेकिन क्या उस अनुसार चलते हो कि मेरे तेरे में फंस जाते हो? तो तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सा सखा तुमेव, जो कहते हैं हम, क्या उसको हम अपने कर्मों में दिखाते हैं? तो सर्व स्वरूप से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले, परमात्मा के आगे अर्पण करने वाले, कि प्रभु परमात्मा पिता, आप तो मेरे पिता हो, है ना। आपको गॉड कहना भी आपको दूर कर देते हैं, गॉड कहने से, भगवान कहने से भी हमें एक दूरी महसूस होती है, लेकिन जब हम पिता कहते हैं तो पिता की दी हुई चीज जो भी होती है वो पिता की ही होती है, तो उसको हम मेरा मेरा कैसे कह सकते हैं? दिया तो परमात्मा ने है, और साथ ही हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हर चीज को इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। कोई भी चीज मेरे साथ वापस या आपके साथ वापस हो जाने वाली है नहीं, तो इसलिए हम झगड़ा क्यों करते हैं आपस में, मेरे तेरेपन में क्यों आ जाते हैं, इस कारण से हमें अहंकार या क्रोध आता है और हम अपना ही नुकसान करते हैं, सेहत का भी और मानसिकता का भी। तो परमात्मा फिर आगे बताते हैं, जिससे अति स्नेह होता है, विस्तार में चले, जिससे अति स्नेह होता है, एक हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से, दोस्तों का आपस में, माता पिता का बच्चों से, बच्चों का माता पिता से, जिससे अति स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं, है ना। तो बाकी संबंध सारे छूट जाते हैं और एक ही संबंध पे सारा फोकस चला जाता है, और हमारी सारी एनर्जी, चाहे हमारा तन हो, मन हो, धन हो, हम उसी में लगा देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से प्यार होता है। परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है ना, एक पिता का बच्चों से जब स्नेह होता है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। तो परमपिता परमात्मा एक लौकिक बाप, दुनियावी बाप के जैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ अर्पण कर देता है, तो अपने परमपिता परमात्मा भी क्या करते हैं, तो सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। स्नेही बच्चों को, ये अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि स्नेही बच्चे कौन है, जो कि परमात्मा के नक्श कदम पर उनके बोल, उनके कर्म, उनका ज्ञान जो दिया है उसके अनुसार चलते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। हम सब आत्माएं भक्ति में ऊपर ऊपर वाली भक्ति करने वाले भी बन चुके हैं काफी सारे, लेकिन परमात्मा जब कहते हैं कि मैं तुम्हें जब ज्ञान देता हूँ, तब तुम्हारे वो ऊपर ऊपर की भक्ति करने वाले, दिखावे वाली भक्ति, और मुझे देख रहे हैं इसलिए भक्ति करनी है, कितना धन दान किया, कितना धूप घुमाया, कितने नारियल फोड़े, वो सारी चीजें इस ज्ञान में नहीं चल पाती हैं, क्योंकि वो दिखावा नहीं हो पाता, क्योंकि ये अंदर से परिवर्तन करने की बातें हैं। तो सिर्फ पूजा पाठ कर लेना, बाहर से घंटी बजा देना, वो चीजें आप काम नहीं करती जब आप आध्यात्म की लाइन पे आते हो। तो परमात्मा कहते हैं, यहाँ पे जिसका सच्चा प्रेम होता है वो ही मेरे से प्राप्ति पाता है सारी चीजों की। तो सच्चा प्रेम जिसका होता है परमात्मा के साथ में, वो अपने आप को परिवर्तन करता है, वो अपने आप को लायक बनाता है, परमात्मा के गुण अपनाता है, शक्तियां अपनाता है, जिस कारण परमपिता परमात्मा सब प्रकार की प्राप्तियां, सबसे पहली प्राप्ति तो सुख शांति प्रेम आनंद खुशी ज्ञान देते हैं परमात्मा आत्मा को, और फिर उसको लायक बनाते हैं कि वो अगला जन्म सत्युग में, इस दुनिया में जब सत्युग आएगा फिर से कलयुग खत्म हो करके, उस समय उसको सत्युग में जाने का मौका देते हैं, एक पासपोर्ट दे देते हैं स्टैंप लगा करके कि ये पास हो चुकी है आत्मा उनकी नजर में। फिर बाबा कहते हैं,
बाकी सबको, है ना, इसलिए सदाकाल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों कराते हैं, और बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। बाकी सारी आत्माएं जो कि इतनी स्नेही नहीं होती, हैं तो बच्चे, कुछ होते हैं सपूत, कुछ होते हैं कपूत, तो कुछ आत्माएं जो परमात्मा को पहचानती नहीं हैं या उनसे इतना दिल नहीं लगाती हैं, उनको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं, और जो सच्चे बच्चे होते हैं, जो शक्ति परमात्मा की लेकर के सबका कल्याण, अपना कल्याण करते हैं, उनको फिर परम धाम भेज करके फिर से लौटा करके सत्युग में, जब ये दुनिया कलयुग खत्म हो जाता है, विनाश होता है कलयुग का और नई दुनिया शुरू होती है, उसमें भेज देते हैं, क्योंकि वो लायक बच्चे होते हैं, परमात्मा के स्नेही होते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्वस्वरूपों। क्या क्या स्वरूप है? हमारे अंदर अहंकार का स्वरूप आ गया था, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का स्वरूप बन चुका था हमारे अंदर। भक्ति जरूर करते थे, पूजा पाठ जरूर करते थे, घंटियां जरूर बजाते थे, दान पुण्य भी करते थे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, लेकिन परमात्मा कहते हैं वो तो तुमने किया, लेकिन तुम सच्चे हो कि नहीं हो? जब तक तुम मेरी बात पर नहीं चलते हो, मेरी मानते नहीं हो, तब तक वो सबूत नहीं दे सकते तुम। वो तो सिर्फ दुनिया वालों के आगे तुम भक्ति कर रहे हो, लेकिन दिल से सच्चा भगत जो होता है, वो एक बच्चा होता है पिता का, परमात्मा का। वो अपने आप को भगत नहीं समझता, वो मांगने वाला नहीं होता है, वो परमात्मा से ले करके और को देने वाला बनता है। फिर बाबा कहते हैं, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना, तन को भी परमात्मा की सेवा में लगाना, मन को भी स्वच्छ रखना, और खान पान भी स्वच्छ रखना, उठने बैठने का तरीका भी अच्छा होना, उसको कहते हैं सच्चा सच्चा बच्चा। भगत तो दूर के हो जाते हैं, और जो बच्चा होता है वो निकट का होता है। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। जहाँ किसी के साथ स्नेह होता है तो योग, योग मतलब उसकी याद, योग कोई आसन नहीं है सिर्फ, योग तो आपके आसन के साथ में आपकी मेडिटेशन, मतलब आपकी याद कितनी है। तो जैसे कोई किसी व्यक्ति को याद करता है तो उसके लिए सब कुछ करता है, तो उसको सहयोग भी मिलता है उस व्यक्ति से, वैसे परमात्मा के साथ में अगर स्नेह है तो परमात्मा के साथ में आपकी याद जुड़ी रहेगी, और परमात्मा आपको हर कदम पे मदद करेंगे, क्योंकि आप सच्चे बच्चे हो, सपूत बच्चे हो। एक भी खजाने को मन्मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। कोई भी खजाने दिए परमात्मा ने, सुख के, शांति के, ज्ञान के खजाने को, आप उसमें अपना मिलावट नहीं करोगे। कोई पिता अगर बच्चे को बोलता है बच्चे इस तरीके से कर्म करना है, तो वो बच्चा उस तरीके से करता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाता, क्योंकि पता है कि अनुभवी कौन है, पिता है। यहाँ पर भी परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ उसके अनुसार चलो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अपनी बुद्धि अभी तक लगाते आए हो और विकर्म करते आए हो, पाप करते आए हो, तो एक जन्म इस बार केवल मेरी बात मान करके मेरे अनुसार चलो, और फिर देखो तुम्हें फल कैसे मिलता है, तुम्हें खुशियां कैसे मिलती हैं। तो आज का ये वरदान है, परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके स्नेही बने, सच्चे बने उनसे, ताकि हम सबूत दे पाए उनको। आज का ये बहुत मुख्य वरदान, सोचिएगा आप किस प्रकार के बच्चे हैं, आप अपने को बच्चा मानते हैं कि भगत मानते हैं। तो ये गहरी बातें, आपका दिन स्वस्थ हो, सुखमय हो, आप खुश रहें, सुखी रहें। ओम शांति।